एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। सर नमस्कार सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ न्यूज आप तक से। तो सर बोलिए सर। सर ये हमें ना कल का एक वीडियो मिला है और इसमें जो है आपके एरिया में सर आग लगा है, तो इसका बारे में बताइए ना सर। सर आग लगा बोल रहे सर, रात को 1:30 बजे मेरे को कॉल आया। हम बाजार से आधा किलोमीटर दूर में रहते हैं सर, मेरे घर है। जी जी। तो कॉल आने के बाद में कि बाजार में आग ही लगा बोल के फिर हम उठ के भटक गए सर। जी। जाके देखते ऑलरेडी 2-3 दुकान में आगे लग गया जी। फिर जाने के बाद में एक सिलेंडर फटा जी, तो सिलेंडर बहुत बड़ा भारी साउंड हुआ जी। तो तब तक हमारा लोकल जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी था वो पहुंच गया, लेकिन वो सिलेंडर फटने के बाद में उन लोग भी हिम्मत नहीं हुआ कि सर कि अंदर घुस के आगे कुछ करे कि और भी सिलेंडर होगा कि नहीं होगा। सर बिल्ली ग्राउंड में आपका जो है फायर स्टेशन है, तो फायर स्टेशन से कितनी गाड़ी आई थी? फायर स्टेशन से हमारा बिल्ली ग्राउंड में एक ही गाड़ी आए थे। फिर विदिन 20 मिनट के अंदर सर मैं डिटेल्स बोल रहा हूँ। तो ये जो हमारा 2-3 दुकान जल आगे जलता था, सिलेंडर फटने का फिर बाद में फिर और भी 2-3 दुकान एक साथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में हमारा बिल्ली ग्राउंड का फायर ब्रिगेड गाड़ी है, उन्होंने फिर रंगत फायर ब्रिगेड को कॉल किया जी। तो मैं रंगत के फायर ब्रिगेड को धन्यवाद देता हूँ, बहुत जल्द विदिन 25 मिनट के अंदर उन्होंने 2-2 गाड़ी पहुंच गया। अगर वो गाड़ी नहीं पहुंचती तो सर फिलहाल 14 दुकान में आग लगा था। 14 शॉप में 14 शॉप था, छोटा बड़ा रेस्टोरेंट दुकान मिला के जी 14 दुकान। वो अगर रंगत वाला और मायावंदर वाला गाड़ी नहीं पहुंचता तो सर बहुत मुश्किल था। इसलिए रंगत की गाड़ी में आने के बाद में हमारा जो आगे पकड़ा था, जहाँ उसके पीछे एक दिघी था, वो दिघी का पानी उठा के कम से कम सब आगे बुझाते सर सुबह 7 बज गया। सर अभी शॉर्ट सर्किट हुआ जी कि कैसा लगा अभी तक उसको फाइनल, लेकिन रात को कोई गाड़ी देखा बोलता कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है करके, जो पानी टैंकर वाला गाड़ी लोग गया बोलता। ऐसा आदमी लोग को मुझे सुनाई मिला जी कि जो पानी टैंकर गाड़ी गया रात को उन लोग देखा शॉर्ट सर्किट होता है, तो उन लोग उधर बैठ के चिल्लाया भी आवाज भी दिया बोलते। इस तरह हम पब्लिक को मुँह से सुना। हम तो आगे पकड़ने के बाद में ही पहुंचे थे सर, लेकिन देखिए अभी आप एक PRA मेंबर है सर, और कुछ भी होगा तो जनता जो है आपको ही बुलाएगी सर वहाँ पर। जी जी जी। और इससे पहले भी काफी बार जो है आपके वहाँ का जो भी न्यूज होता है सर, उसको लेकर जो है हमने आपसे बात की है जी जी। तो आपने जो है इसके बारे में न्यूज आप तक के साथ आपने काफी बार जो है न्यूज आपने जो है शेयर किया आपके इलाके का जो भी होता है। सर आप ये बताइए ना, अभी ये जो आग लगी इसमें कोई कैजुअलिटीज हुई कुछ क्या सर? सर ये जो आग लगी है इसमें किसी को चोट लग गया है सर? ना, किसी को नुकसान नहीं हुआ जान का, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ कि वो दुकान सब बंद करके सब घर में ही चले जाते ना, घर बहुत नहीं। फिर भी सर बाकी कुछ शॉप ऐसा होता है ना जिसमें लोग जो है रहते हैं, वहाँ पर एक ही शॉप था जिसमें आदमी लोग रहते थे, तो उन लोग सारा सामान वामान निकाल दिया, लेकिन उनका ना आधा दुकान जल गया। एक होटल था, अच्छा ऊपर पोर्शन जल गया, नीचे तो पोर्शन थोड़ा ठीक था लास्ट कॉर्नर वाला। सर हम लोग सर एक प्रिपरेशन भी लिए थे जी। हम लोग 2 इटाची लेके खड़ा कर दिया था, अगर आगे नहीं बुझे थे तो हम लोग भी एक साइड से 2 साइड से हम लोग तोड़ देकर प्लान दिया था। अच्छा। लेकिन रंगत वाला फायर ब्रिगेड आने के बाद में थोड़ा आगे कंट्रोल में आया। वहाँ पर जितने भी शॉप्स है ना सब एक दूसरे से सर जुड़े हैं सर, बिल्कुल मतलब वहाँ पर जगह नहीं है। और जहाँ तक सर लोग ये कह रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है सर, मतलब अगर हम हिसाब लगाए तो कई करोड़ों तक नुकसान है। क्या ये बात सर? हाँ कई करोड़ सर, 1 करोड़ तो हम लोग मुश्किल ही बोल सकते सर कि एक दुकान था जी, रेशन दुकान जी। हाँ सर एक राशन दुकान में कई लाखों का सामान सर उसमें रहता है, करोड़ों का सामान था सर। अच्छा, 2 दिन पहले वो रेशन 200-250 बस्ता रेशन लेके अंदर घुसा है दुकान में। दुकान वाला का नाम है कौशिक बोल के लड़का है, उसी की दुकान जी हरेंद्र मंडल एंड सन जी, उनका दुकान में सबसे ज्यादा सामान था। दिल्ली ग्राउंड में सबसे बड़ा रेशन दुकान उन्हीं का था। अच्छा, अभी फिलहाल बोल रहे हमारा तहसीलदार सर आए, एसी सर आए, हमारा सप्लाई का बाबू लोग आए, अभी बातचीत चल रहा है सर। हमारा सब बैठे हम लोग सबको ले। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है सर? सर अभी बातचीत चल रहा है सर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। तो अभी क्या होगा हम लोग फर्दर आपको बाद में बता सकते हैं कि अभी हमारे एसी सर, तहसीलदार सर, हमारा आरआई सर, हमारा सब आए हैं, हम लोग बैठेंगे। अभी बैठते हैं फिर सारा जिनके नुकसान हुआ सर सबको लेके हमारा तहसीलदार सर सारा का कितना क्या नुकसान हुआ सर सब लिस्ट तैयार हो गया जी। देखता हुए एडमिनिस्ट्रेशन के क्या हेल्प मिलता है सर। सर देखिए कि कुछ भी अगर होता है तो आप लोग प्लीज एक बार बता दीजिए ताकि हम जो है ये न्यूज एक ताकि देखिए लोगों तक गलत न्यूज ना जाए, ये हम हमेशा ही सोचते हैं। और जो भी फैक्ट हुआ है सर देखिए, इसीलिए मेरे पास जो है कुछ वीडियोस आई थी, लेकिन उसको सर एक क्लैरिफिकेशन का भी एक जरूरत था। देखिए कि हर बार हम ये कहते हैं कि फायर ब्रिगेड का गलत चलती है, ये है वो है करके, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सर, और काफी लोगों से भी हमने ये सुना है कि देखिए फायर ब्रिगेड वाले सर अपना काम करते हैं, वो लोग जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं सर। सही बात जी। तो हर बार जो है हम उन्हें जो है नहीं बोल सकते ना सर। वो देखिए वो ये बात क्या है सर, मैं बोल रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड जो हमारा बिल्ली ग्राउंड का फायर ब्रिगेड है जी, उनका थोड़ा कमजोरी है क्योंकि उसमें जो ज्यादा पानी का सोर्स भी नहीं है, पानी स्पीड भी नहीं निकल रहा है जी, तो मशीन का मतलब पावर का कैपेसिटी भी नहीं है। तो हम मैंने डीएसपी सर आए थे उनको भी मैं बताया सर ये गाड़ी अगर इमीडिएट चेंज किया जाए तो अच्छा रहेगा। हम डीएसपी सर को भी बोले जी, सर भी आए थे हमारे उधर में जी, तो सर को बोला सर ये गाड़ी चेंज कर। रंगत की गाड़ी जो आए थे उनको बढ़िया स्पीड का फोर्स का पानी का जी, तो हमारा बिल्ली ग्राउंड का फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी है उसका थोड़ा इंजन के साथ पावर भी कम हो सकता है, इसलिए पानी उतने स्पीड में नहीं जाता रहते। तो वो दिन 25 मिनट्स के अंदर हमारा 2-2-3-3 मायावंदर का गाड़ी भी पहुंच गया था फायर ब्रिगेड के जी। सर एज ए PRI मेंबर सर आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ मांग करना चाहेंगे सर? सर मांग एक ही है कि जो रंगत में फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसी तरह सेम गाड़ी हमारा उधर में भी अभी इमीडिएट फिलहाल दिया जाए जी। इसमें कैपेसिटी भी ज्यादा है और उसमें फोर्स भी ज्यादा है, आगे जीवाने का कैपेसिटी जो रंगत की गाड़ी है उनका देखा बहुत अच्छा है सर। और सर जहाँ तक हमें ये भी इतना मिली है कि PS जो पुलिस स्टेशन बिल्ली ग्राउंड है उनकी टीम भी जो है अभी तक इवन रात से लेके अभी तक जो है हेल्प कर रही है आपका। अभी भी हेल्प कर रहा है जी, सर जी, जी। मेरे PS बिल्ली ग्राउंड बोलिए, PS रंगत बोलिए, सारा स्टाफ लोग बहुत तकलीफ किया सर आज जी। सर मैं भी अपने तरफ से उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ सर, बहुत तकलीफ किया, हमारा साथ दिया, हमारा पब्लिक, हमारा गाँव वाला लोग सर बहुत तकलीफ किया जी। देखिए धन्यवाद सर हमारे साथ ये बात शेयर करने के लिए, और हम ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के समझ से भी हम ये जरूर रखेंगे जो भी बात आपने हमसे शेयर की है। धन्यवाद सर न्यूज़ आप तक से बात करने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।